तो आज हम बात करेंगे कि क्यों बॉडी बिल्डर्स बीटा एलिन जैसे सप्लीमेंट को कंज्यूम करते हैं वैसे तो बीटा एलिन एक नॉन इसेंशियल मीनो एसिड है लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है फिटनेस इंडस्ट्री में इसका एक यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर है जो इसे अलो करता है मसल में कैरनोसिन लेवल्स इनक्रीज करने के लिए और आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में मदद करता है जिससे आप डबल अमाउंट में काम कर पाते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है ये काफ़ी इफेक्टिव है और ऐसा बहुत सी मल्टीपल स्टडीज़ में देखा गया है कुछ और चीज़ों की बात करें तो एक फोर वीक ऑफ बीटा एलिन की कंजप्शन से अगर आप इसे फोर वीक्स में फोर से सिक्स ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं तो ये ग्रेटली मसल में कैनोसिन की कंसनट्रेशन को बूस्ट करता है जो एक ऐसा अमीनो एसिड कंपाउंड है जो आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ को इनक्रीज करने के साथ साथ मसल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है पेरेस्थेसिया एक ऐसी चीज़ है मेडिकल टर्म में जिसकी वजह से आपको स्किन में एक टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है और ये इसका एक प्रूवन साइड इफ़ेक्ट है अगर आप इसे हाई डोज में कंज्यूम करते हैं इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है लेकिन आप अगर इसे ज़्यादा डोज में कंज्यूम करेंगे देन आपको ये सेंसेशन हो सकती है इसे मिनिमाइज करने के लिए आप इसकी डोज़ को अलग अलग डिवाइडेड डोजेज़ में एक से दो बार दिन में कंज्यूम कर सकते हैं डेली बिटान सप्लीमेंटेशन जिसे आप चार से पाँच ग्राम पर डे कंज्यूम करें ऐट लीस्ट दो हफ्ते के लिए इससे आपकी एक्सरसाइज़ परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है जिससे आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज होती है आपकी पावर बढ़ती है फटीक का एक्सपीरियंस भी डिले होता है अगर इसे किसी और सप्लीमेंट जैसे कि क्रिएटिन के साथ लिया जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा इन्हांस होते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा फोर वीक्स तक भी कंज्यूम करते हैं बहुत से बॉडी बिल्डर्स इसके इफेक्ट्स देखने के लिए चलिए अब ये जानते हैं कि बीटा एलिन को कैसे लिया जाता है बीटा एलिन क्रिएटिन की तरह ही है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है अगर इसे कंज्यूम किया जाए प्रॉपर ड्यूरेशन और डोज़ के साथ ये इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे से काम करते हैं आपके कैनोसिन स्टोर्स को स्केल्टन मसल सिस्टम में बिल्डअप करने के लिए स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इसकी मिनिमम थ्री वीक्स प्लस तक कंजप्शन की जा सकती है विद डोज ऑफ थ्री टू फोर पॉइंट फाइव ग्राम्स पर डे और इस स्टडी में देखा गया है कि मसल में कैनोसिन लेवल्स की परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है जिसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर्स को रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आप एक ऐसे वे के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ और मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ अपने ट्रेनिंग सेशन से देन बीटा एलिन एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं या फिटनेस एंथुसियास्ट हैं जो बहुत देर से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं और एक पीक लेवल पर आकर अपने वर्कआउट में थोड़ी और इंटेंसिटी इनक्रीज़ करना चाहते हैं वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं सप्लीमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप किसी भी सप्लीमेंट को परचेज़ करके उसके लेबल पर भी अच्छे से रीड कर सकते हैं इसकी प्रॉपर ड्यूरेशन और डोज़ के बारे में लेकिन बैटर यही है कि आप इसे स्मॉलर डोज में ही कंज्यूम करें और चेक करें कि आपको क्या इफेक्ट्स इसके मिल रहे हैं अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस हो तो इसे लेना इमीजिएटली बंद कर दें अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है कोई हेल्थ इशू है देन कोई भी सप्लीमेंट ट्राई नहीं करें और किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर अपने फिटनेस ट्रेनर की हेल्प जरूर लें बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स बीटा एनलिन से जुड़ी कुछ और वीडियोस के लिंक्स और जेन्यून बाइंग लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें अमनदीप क्रिएशन यूट्यूब चैनल ऐसी ही इंटरेस्टिंग इफॉर्मेशन के लिए